It's caught in the crossfire. Hey guys, what's up and welcome back to the channel. I hope आप लोग सब ठीक हो, क्योंकि मेरा यहाँ का जो तापमान है कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दो दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश सिर्फ नाम के लिए हुई थी, और अभी इतनी गर्मी हो रही कि क्या बताओ क्यों हो रही है. पहली बात तो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, और दूसरी बात मैं ये जो कपड़ा पहना हूँ ना, इसमें मेरे को बहुत स्वेटिंग हो रहा है. आज मोटो ब्लॉगिंग करेंगे क्योंकि नया सेटअप बनाया भाई, करेंगे और क्या. और नया सेटअप इसलिए बनाया क्योंकि लास्ट वाला जो मेरा सेटअप था हेलमेट का, उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैंने एक फ्रेंड को दिया था मेरा हेलमेट. सो उसने क्या किया, उसने एक्चुअली कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, उसकी गाड़ी की थी, उसने ब्रेक मारा और हेलमेट गिरा. आई मीन वो भी गिरा बट हेलमेट को प्रॉब्लम हुआ, हेलमेट बेचारा टूट गया. मेरा जो माउंट था वो भी टूट गया. मुझे पता है नीचे से आवाज़ें आ रही है बट मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता. This is a Chucky Beat production. एक मीम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है. वो मीम कुछ इस तरह है कि एक आंटी आती है और चाय का कप ले रही थी और बोलती है, हेलो फ्रेंड्स चाय पियोगे, ऐसे ही कुछ है ना, चाय, हेलो फ्रेंड्स चाय पियो, हाँ चाय पियो, तरबूज खा लो, चाय पी लो, हाँ चाय पी लो, सॉरी हाँ ऐसे कुछ है, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स तरबूज खा लो, हेलो फ्रेंड्स ये कर लो. आज मैं अभिमान के लिए बहुत ही हेल्दी फूड लेके आया हूँ, बिकॉज उसको भूख लगी थी और मेरे वजह से बेचारा गया नहीं अभी तक खाना खाने. ये रहा अभिमान बैठा है यहाँ पे, तेरे लिए ना बहुत भारी चीज़ लेके आया अभिमान. सही में क्या लाया, केला? राइट, सो हम लोग अभी इधर आ चुके हैं. मैं इसकी जगह पे आया, बेचारे को बहुत भूख लगी थी तो मैंने इसको दो केला दिया, तीन दिया था, एक तो इसने ऐसे ही खा लिया ऐसे और... हाय बोल. ये जो पीछे इतना बड़ा ऑफिस दिख रहा है ना, ये इस बंदे का है, ये मालिक है, करोड़ों का. ये करोड़ों का मालिक है, इसका लाखों का टर्नओवर है. सॉरी ये भिखारी है, ये रोज आके हम लोग से भीख मांगता है इधर, इससे बोलता है जॉब दे दो. बट बीच में तो लड़की भी मांगता है यार, हद हो गई यार. मतलब कैसा मान लो बीच में आएगा यहाँ पे, बोलेगा भाई कोई लड़की तो दिखा देना भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई कोई है तो बता देना यार, ऐसा 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 सब. हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. कल एक्चुअली कुछ लास्ट उसका ब्लॉग किया नहीं मैंने, सो कंटिन्यू कर रहा हूँ कल और आज का ब्लॉग. सो आज जा रहा हूँ रेडियो मार्ट पे, कल तो हुआ नहीं क्योंकि कल ऑलरेडी 3-4 बज गए थे. तो अभी जा रहा हूँ रेडियो वाले आर्ट्स के दुकान पे जहाँ पे आप लोग कल गए थे, चलो वहीं पे मिलते हैं डायरेक्टली. सो हमारे SK रेडियम आर्ट्स भैया ने बोले मना कर दिए क्योंकि उनके पास सिर्फ रेडियम है, और जो मुझे करवाना है टाकी पे वो सिर्फ मैट पेपर से होता है. ऐसा उनका कहना है कि मैट और रेडियम में बहुत फ़र्क है, मैट वाला जो है वो इजीली मैं फ्यूचर में कभी भी निकाल सकता हूँ, बट रेडियम जो एक बार लग गया तो लग गया, मतलब उसको चाकू वगैरह से मेरे को निकालना पड़ेगा, पील ऑफ करना पड़ेगा. तो अभी देखते हैं, उन्होंने एक शॉप बताया यहाँ पे SB करके कोई शॉप है, उसके पास पूछ लेता एक बार मैं. सो अभी SB वाला जो मैट जो करने वाला टाकी पे, उनसे अभी बात हुई मेरी, तो ही सेड कि हो जाएगा. देखो सो लेट्स गो. बहुत भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को. लेकिन क्या मक्खन के जैसा निकल रही है यार, माई गॉड फक, एक नंबर, बहुत सही निकला. लेकिन आगे का टायर स्लिप हो रहा है बट पीछे का टायर जरा भी स्लिप नहीं हो रहा है. ऑल थैंक्स टू मिशेलिन सिराक टायर्स. बहुत
नहीं उठेगा चीट 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 ओह माय गॉड अभी बात निकल के रहूंगा देख अभी मैं नहीं नहीं अभी मिशलिन की टायर्स बहुत स्लिप हो रहे यहाँ पे सो गाड़ी की हालत पूरी जैसे कि देख सकते हो पूरी हालत खराब है मेरी गाड़ी की हालत और मेरी हालत तो भाई लाजवाब है देख देख पैर देखो मेरा भाई नमस्ते जय श्री राम माय गॉड यू कैन स्पीक हिंदी दिस इज कैमरा आई एम डूइंग वोडो व्लॉगिंग गाड़ी को वॉश कराने एक बात तो बताना भूल ही गया हमें एक सेकंड रात के 2 बज रहे बहुत ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज बताना था मुझे एक्चुअली हाँ तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी वो है ये कि आप सभी लोगों को पता होगा मूव ऑन कंपनी सो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो रिजर्वेशन के लिए सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जिसमें हाँ सॉरी ऐप का जो नाम है एम ट्रेन जो गूगल पे इजीली मिल जाएगा सो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक ट्रेन अवेलेबिलिटी के बारे में चेक कर सकते हैं सीट्स अवेलेबिलिटी के बारे में चेक कर सकते हैं एंड इफ इन केस ट्रेन कोच के बारे में चेक करना तो उसमें भी ऑप्शन है उसमें बैग पैकिंग के बारे में है मतलब रेलवे अगर इन केस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए उसके बारे में है एज भी स्टेशन पे मैं रहने वाला हूँ से हो गया अगर मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ पे कहीं रह रहा था तो मुझे होटल चाहिए तो मुझे मेक माई ट्रिप या एनी थर्ड पार्टी आपको चाहिए उसका नहीं जरूरत नहीं है मैं एम ट्रेन में मेरे को होटल मिल जाएंगे प्लस ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे अगर मुझे कभी यूज़ करना होगा तो मैं एम ट्रेन ज़रूर ऐप यूज़ करूँगा और हेल्पलाइन नंबर है उसके अंदर मतलब अगर आपको कोच में अगर आपके कोच में अगर कुछ गंदगी या फिर इनकेस अगर आपको कुछ खाना या कुछ ऑर्डर करना है तो बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल है ये सारे एम ट्रेन का जो है प्ले स्टोर का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में एंड बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ऑफ रोडिंग इफ इनकेस अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अगर और कोई ऑफ रोडिंग कवर करना है तो मुझे बताना बट बताना मुझे कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना नीचे आई मीन लाइक बटन दबा देना और कमेंट करना नीचे एंड सब्सक्राइब कर लो यार ऐसे मत करो चलो फिर बाय और एम ट्रेन भी डाउनलोड कर लेना मैंने बता दी 2-3 चीज़ें तो ये 2-3 चीज़ें थी सिर्फ 2-3 चीज़ें हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर एक बार चेकआउट करना और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है देखो मुझे टिकट भी बुक करना था मैं एम ट्रेन में ही देख सकता हूँ और सीधा एम ट्रेन की एक ऑप्शन है वहाँ पे बुकिंग का वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ही डायरेक्टली मुझे IRCTC पे उधर रीडायरेक्ट कर देगा तो फिर वहाँ पे मैं टिकट भी बुक कर सकता हूँ मुझे ऐसे नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा स्टेशन पे जाओ और फिर जाकर लाइन में खड़े रहो ऐसे पावर ले रहा और फिर जाके टिकट आएगा फिर बुक करो